ठीक है, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे, हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि क्रॉस और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट क्या होता है और हमें फ्लटर क्यों यूज़ करना चाहिए। मार्केट में और भी कई टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक रिएक्ट नेटिव है, एंगुलर है, बट हम फ्लटर को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट क्या होता है और हमें ये क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों पे आज हम मेनली फोकस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट मतलब कि कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, सबको सपोर्ट करना है। प्लेटफॉर्म क्या क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या क्या प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर को कहाँ कहाँ सपोर्ट करना चाहिए, तो वही हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट क्या क्या हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल में एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, कंप्यूटर में मैक हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करे, सब नाम ले लो आप, जितना भी आप जानते हो, आईओएस ले लो, एंड्रॉयड ले लो, सिम्बियन ले लो, लिनक्स ले लो, मैक ले लो, विंडोज़ ले लो, सारे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करना चाहिए, उन टाइप के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब क्या फ्लटर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के अंडर आता है? हाँ आता है। आप फ्लटर यूज़ करके आप मोबाइल ऐप तो बनाते ही हो। रिसेंटली अब फ्लटर मैक ओएस, विंडोज़ और लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। आप सेम कोड बेस लिखो और इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप डिप्लॉय कर सकते हो विदाउट एनी सिंगल चेंज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्लटर ही क्यों, रिएक्ट नेटिव क्यों नहीं, एंगुलर क्यों नहीं। तो अब जो हम बात करेंगे, इसी पे बात करेंगे, मेन फोकस हमारा यही रहेगा कि फ्लटर ही क्यों, हमें फ्लटर ही क्यों यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अराउंड 7 से 8 पॉइंट्स है मेरे पास जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो यू विल बी अग्री दैट हाँ, हमें फ्लटर ही यूज़ करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है सिंगल कोड बेस। आपको एक कोड बेस लिखना है, आपको एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है। आप उस प्रोग्राम को अपने आईओएस मोबाइल में भी रन कर सकते हो, सेम कोड बेस को आप एंड्रॉयड में भी रन कर सकते हो, सेम को आप विंडोज़, मैक, लिनक्स में भी रन कर सकते हो। तो ये एक पहला पॉइंट हुआ फ्लटर का। पॉइंट नंबर टू, फ्लटर में आपको ऑलरेडी बहुत सारे विजिट्स प्री बिल्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी डेवलपर्स हैं, क्योंकि फ्लटर ओपन सोर्स है, तो सभी कुछ ना कुछ अपने अपने ढंग से कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लटर ओपन सोर्स में। तो यहाँ पे आपको बहुत प्री बिल्ट विजिट्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली उनको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करो और यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नेविगेशन बार हो गया, नेविगेशन ड्रॉवर हो गया, बर्गर मेन्यू हो गया, टॉप नेविगेशन हो गया, बॉटम नेविगेशन बार हो गया, ये सब प्री बिल्ट विजिट्स आते हैं। फ्लोटिंग बटन हो गया, अलर्ट हो गया, ये सब आप डायरेक्टली इंपोर्ट करो और यूज़ करो अपने प्रोजेक्ट में। आपको फ्रॉम द स्क्रैच डेवलपमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, आपने प्री बिल्ट विजिट करके आपने सपोज आपने आईओएस ऐप बना लिया, अब आप उस कोड बेस को रन करोगे एंड्रॉयड में, और एंड्रॉयड में तो आप जानते हो कि बहुत वैरायटीज वैरायटीज के स्क्रीन साइज होते हैं। तो क्या आपका ऐप वहाँ पे सपोर्ट करेगा? मान लो आपने एक छोटा सा अलर्ट बनाया है कुछ भी फिक्स हाइट एंड विथ देके, तो क्या वहाँ पे वो सेम वैसा यूआई आएगा जैसा एक्सपेक्टेड है? हाँ आएगा। फ्लटर का यूआई बाय डिफॉल्ट तो नहीं, हाँ आप उसको रिस्पॉन्सिव यूआई बना सकते हो और फिर बिल्कुल फ्री हो जाओ। एक बार आपको बस रिस्पॉन्सिव यूआई डिज़ाइन करना है, फिर आप प्लेटफॉर्म वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो सही से वर्क करेगा। दैट इज़ द पावर ऑफ फ्लटर। तो थर्ड पॉइंट था हमारा रिस्पॉन्सिव यूआई। फोर्थ पॉइंट आता है हॉट रिलोडिंग करके। मान लो आप डेवलप कर रहे हो, आपने आपने पूरा ऐप डिज़ाइन कर दिया और आप अपने क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट बोलता है यार ये इसका कलर वाइट से करके ब्लू कर दो। ठीक है, आपने ब्लू कलर चेंज किया, फिर आपने रन किया, रन करने में, प्रोजेक्ट बिल्ड होने में, सब कुछ होने में, डिप्लॉय होने में 10 मिनट लग गया। फिर क्लाइंट बोलता नहीं यार ये कलर नहीं, मुझे रेड कलर में देखना है। फिर आपने रेड कलर चेंज किया, फिर आपने बिल्ड किया, फिर क्लाइंट को दिखाया, फिर बोलता है यार रेड भी नहीं, यार येलो करके दिखाओ। तो ऐसे करते करते में आप देख सकते हो हमेशा आपको 10 मिनट तो मिनिमम लग ही रहा है प्रोजेक्ट बिल्ड करने में। तो फ्लटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, हॉट रिलोडिंग करके।
आपने जैसे ही कलर चेंज किया, आपने कंट्रोल एस एंटर किया, कंट्रोल एस जैसे ही आपने एंटर किया, वो सिर्फ कलर वाला एलिमेंट को चेंज कर देगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। रियल टाइम में आप देख सकते हो, आपका प्रोजेक्ट पूरा कम्प्लीटली बिल्ड करने का ज़रूरत नहीं है, आप बस उसे कंट्रोल सेव करो और वहाँ पे तुरंत रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिर्फ वो उतने ही कलर एलिमेंट वाले कॉम्पोनेंट को अपडेट करता है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर हॉट रिलोडिंग। तो ये एक फ्लटर को बहुत ही अलग बनाता है। नाउ फ्लटर के बारे में तो हमने बातें कर ली, अब फ्लटर को ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो पावर है, ये मिलता कहाँ से? ये मिलता है उसके ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि है डार्ट। डार्ट लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, ये बिल्कुल नल सेफ लैंग्वेज है। मान लो आपने किसी नल वैल्यू, आपके पास कोई वेरिएबल है, उसमें वेरिएबल नेम इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू आना है, वो वैल्यू नहीं आया, बट आपने उस वैल्यू को प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराओगे आप किसी और लैंग्वेज में किसी नल वैल्यू को, तो वहाँ पे तुरंत प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। लेकिन डार्ट में नल सेफ होता है, वो आपको क्रैश करने नहीं देगा, वो कोई ऑल्टरनेट वैल्यू वहाँ पे आपको वो खुद से प्रिंट करा देगा। आपको कोडिंग के टाइम वहाँ पे देना पड़ता है कि अगर वैल्यू नल है तो यहाँ पे वैल्यू ऑल्टरनेट वैल्यू क्या होगा। तो इस वजह से आपका एप्लीकेशन बहुत ही, जो क्रैश होने का चांस हो जाता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। तो वन ऑफ द यू नो पावर देने वाला जो कंपोनेंट है ना, जो बैकएंड है ना फ्लटर का, वो है डार्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना, वो है नेटिव यूआई सपोर्ट। फ्लटर को आप यूज़ करके क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप तो आपने बना दिया, बट क्या आपने ये नोटिस किया कि आपको मान लो कोई एक अलर्ट दिखाना है, अलर्ट आईओएस में भी दिखाना है और एंड्रॉयड एंड्रॉयड में भी वो अलर्ट आएगा, क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप है। ठीक है, तो आईओएस का अलर्ट डिज़ाइन जो होता है ना, नेटिव अलर्ट डिज़ाइन, वो अलग होता है, एंड्रॉयड का नेटिव डिज़ाइन अलग होता है। तो फ्लटर खुद से ही वो हैंडल कर लेगा, जहाँ पे उसे आईओएस का प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जहाँ पे आईओएस का दिखाना है, वो आईओएस का नेटिव अलर्ट दिखाएगा, और जहाँ पे एंड्रॉयड का दिखाना होता है, वो वहाँ पे एंड्रॉयड का नेटिव अलर्ट दिखाएगा। तो आपको अलग से उसके लिए कोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से जो नेटिव यूआई होता है ना प्लेटफॉर्म का, वो अडॉप्ट कर लेगा और वो खुद से वो दिखाएगा। दैट्स ऑल। नाउ द लास्ट पॉइंट, ऐप साइज। अगर आप एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का भी प्रोजेक्ट फ्लटर में बनाते हो ना, तो वो लेट्स से 2 MB का बनेगा। बट अगर आप यही हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट एंगुलर या फिर रिएक्ट नेटिव में बनाते हो या फिर आयोनिक में बनाते हो, तो वो कम से कम 100 MB का बन ही जाएगा। तो कोई भी यूज़र, मान लो कि अगर आप प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करने को जाते हो, तो सबसे पहले आप देखते हो कि यार ये ऐप का साइज़ तो बहुत ज़्यादा है। तो 90% यूज़र तो ऐसे ही चल जाते हैं, आपके ऐप को कोई डाउनलोड करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये भी एक बेनिफिट होता है कि फ्लटर ऐप जो साइज़ होता है ना, काफ़ी छोटा होता है। तो गाइज ये था फ्लटर के बारे में, लाइक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप क्यों हमें फ्लटर से बनाना चाहिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप होता क्या है। तो ये आई होप अब आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा। अगर हाँ तो थोड़ा प्यार दिखाओ, लाइक करो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताओ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। और या दैट्स ऑल, बाय बाय।